like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, बढ़िया हो सारे? तो भाई आज हम अपनी बाइक लेके निकले हुए हैं राइड पे। तो ये मेरा पहला मोटर व्लॉग है और मैं कंटिन्यूसली तो मोटर व्लॉग नहीं डालूंगा, लेकिन मैं कुछ कुछ टाइम बाद मोटर व्लॉग डालता रहूंगा एपिसोड की तरह, जैसे जैसे मेरा मन करेगा, जैसे जैसे मुझे अच्छा लगेगा या जब हम राइड पे निकला करेंगे। सीधी बात है भैया, आगे समझ ठीक कह रहा हूँ ना, गलत तो नहीं कह रहा? तो भाई हिमांशु भैया मेरे साथ हैं और आगे हार्ले पे जा रहे हैं अपने हर्ष भाई, और ये गुड़गांव की जगह बहुत प्यारी है यार। ये जो हिमांशु भाई निकलते हैं ना ऐसे कॉर्नरिंग करते हुए, ये हम ट्राई नहीं कर सकते भाई, हमसे ना हो पाएगा। डर है ना मन में, ये ठहरे फियरलेस, हम ठहरे थोड़े डर वाले बंदे। क्या करें, डर भी ज़रूरी है भाई, क्या कर रहे हैं अब क्या बताएं। तो भाई पहला व्लॉग है, मोटर व्लॉग सॉरी, तो समझ नहीं आता इसमें बात क्या करनी चाहिए। तो इसमें जो भी बात होगी वो मुझे तो लग नहीं रहा कुछ ऐसी ज़रूरी बात होगी, लेकिन एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे अपने पहले मोटर व्लॉग में ज़रूर करनी थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम लोग बाइक लेके निकलते हैं ना, तो हम पहनते हैं ग्लव्स, हम पहनते हैं हेलमेट, हम पूरे गेयर पहन के चलाते हैं बाइक, चाहे थोड़ी तेज़ भी चला लें। लेकिन हमारे बगल में जो बंदे आते हैं ना कभी कभी, जो नॉर्मल बाइक्स वाले बंदे होते हैं ना, उन्होंने हेलमेट पहना होता ना ग्लव्स पहने होते, और वो बंदे हमसे रेस लगाते हैं। मतलब क्या है ये, अच्छा नहीं लगता ना यार। मतलब बगल में इतनी तेज़ चलाएंगे, साइड से निकलेंगे इतनी तेज़, और फिर हमसे रेस लगाने की कोशिश करते हैं, ना हेलमेट पहना है ना कुछ पहना है। भाई इनको देख के तो ऐसा लगता है जैसे अपने आप को शाहरुख खान समझ रहे हैं ये, यहाँ मूवी चल रही है और अपनी पिक्चर के ये हीरो हैं बस। तो भाई असल ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं होता ना, पिक्चरों की बात अलग है। तो भाई मैं तो अब इनको क्या समझाऊँ, मैं तो अपने पहले व्लॉग में यही देना चाहता था इन्फॉर्मेशन कि भैया हेलमेट ज़रूर पहन के चलाया करो, ग्लव्स पहनो ना पहनो हेलमेट ज़रूर पहन लिया करो, ठीक है ना। तो अभी हम लोग गुड़गांव से घर की तरफ जा रहे थे, तो मोटर व्लॉग मेरे को बनाना ही था, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में भी बोला था और मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बोला था कि मैं मोटर व्लॉग बनाऊंगा। और ये जो रोड है ना, इस पर ये स्ट्रेच आया हल्का सा। हाँ तो भाई हम कहाँ थे, तो मोटर व्लॉग बनाना तो ज़रूरी था ही। इस रोड पर एक्चुअली क्या है ना कि ये हाईवे है, तो इस पर बीच बीच में स्ट्रेच आते रहते हैं थोड़ी बाइक तेज़ चलाने के, तो वही हम करते रहते हैं थोड़ा बहुत बीच में, पर भाई बिना गए ये जैसा अब स्ट्रेच आया। तो भाई पूरी सेफ्टी के साथ तेज़ चलाना, मैं पहली बता रहा हूँ ये चीज़, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने पहले मोटर व्लॉग में बोलूँ कि ओहो बेटे फरारी, वो भी हमारे फेवरेट कलर में, अरे हे मज़ा आ गया देख के। मतलब ये तो बोनस पॉइंट हो गया, क्या कातिल लग रही है यार सही में, वाह वाह। अब हम निकल लिए अपने रास्ते की और वो चली गई अपने रास्ते की, और तो ये भैया साइड दे दो साइड दे दो साइड दे दो, बगल हो जाओ सारे बगल हो जाओ सारे बगल हो जाओ बगल हो जाओ। साइड दे दो साइड दे दो, हाँ बस। अरे भैया धीरे कर लें क्या, बस 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 थोड़ी सी धीरे हो जाए थोड़ी सी, बस बस। अच्छा स्ट्रेच बहुत लंबा है, इस पर बड़ा मज़ा आता है भगाने में। हाँ अब धीरे कर लेते हैं थोड़ी सी, तो ज़्यादा बात करने के लिए मेरे पास है नहीं, एक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी, मतलब एक इन्फॉर्मेशन क्या, एक मुझे चीज़ समझानी थी, हेलमेट पहना करो, वो मैंने बता दी, अब अगले व्लॉग में बात करेंगे। मैं फ़िलहाल ये मोटर व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि यहाँ से हम तीनों अपने अपने रास्ते पर जाने वाले हैं, अलग अलग हो जाएंगे, तो मोटर व्लॉग यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। ओके
बाय। और यार दिल्ली की सड़कें आपको कहीं अगर खाली मिल गई ना तो भैया आप बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक इतना ज्यादा है ना भाई, पागल हो जाओगे चलाते चलाते। चलो कोई नहीं, ओके बाय। तो मैं आ गया हूँ अभी घर पे, और राइड बहुत सही थी, काफी मजा आया। मैंने पहली बार मोटो व्लॉग किया था, मतलब बात करने में समझ नहीं आ रहा था कि बोलना क्या है, थोड़ा बहुत बोल के ही आदत होएगी। और दिल्ली में ट्रैफिक इतना ज्यादा होता जा रहा है कि कार तो क्या, बाइक से भी कहीं से जाने में टाइम लग ही जाता है, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे जाम होता है। लेकिन कोई नहीं, कुछ ना कुछ सुधार तो हो ही जाएगा, हमें पता है। तो अब और तो कुछ नहीं, अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना। अब मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। यार रास्ते में फरारी देखने को मिल गई, और इससे ज्यादा क्या होगा।